हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस, आते चलो हम लोग एसएससी सीएचएसएल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, सीएचएसएल, और इसको स्टार्ट कर देते हैं। अभी से हम लोग कुछ कॉमन ईयर, कुछ फिल इन द ब्लैंक सर्च कर लेते हैं। बाकी आपका सपोर्ट रहा तो बाकी एसएससी का, अगर आपका सपोर्ट रहा, कुछ स्टूडेंट मिलते हैं फिर अच्छे खासे आते हैं, तो फिर आपके सपोर्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कम्प्लीट जो है सेट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके कुछ हम लोग देखते हैं क्या रिस्पॉन्स होता है, और उम्मीद है कि आप लोग का रिस्पांस अच्छा होगा। और ये जो जितने कॉमन ईडर फिल इन द ब्लैंक्स है, ना सिर्फ एसएससी सीएचएसएल के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप एफटीएस के एग्जाम दे दो एसएससी का, बाकी एयरफोर्स नेवी के भी एग्जाम दो, ग्रामर का रूल जो होता है सेम होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग पीछे मत हटना। तो मैं तो यही उम्मीद करूँगा जो लोग समझदार होंगे वो कहीं से भी इंग्लिश मिले, कुछ भी मिले, प्रैक्टिस करते जाओ। मैंने पहले भी रिकमेंड किया था, जो एयरफोर्स का प्रिपरेशन कर रहा है, इंग्लिश के लिए आप एसएससी की सेट प्रैक्टिस करो, इंग्लिश कहीं से एयरफोर्स नेवी में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो भाई चलो बिना देरी किए वैसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, या नहीं करना दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि हर कोई अपना राय बताएगा। ठीक है, बाकी अपना सपोर्ट के बारे में कमेंट में लिख देना कि इसे आगे बढ़ाया जाए कि नहीं, ठीक है, इसकी नेक्स्ट सीरीज लाई जाए कि नहीं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। इट वॉज ही हु केम रनिंग इन द हाउस विथ द न्यूज़ अबाउट द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब भूकंप। ठीक है, अब गेज वही है, इसका मतलब क्या हुआ, इट वॉज ही हु केम रनिंग इन द हाउस। ठीक है, ये वही है जो कि क्या आया, दौड़ते हुए घर में आया विद द न्यूज अबाउट द अर्थक्वेक। ठीक है, अब हिंदी कर नहीं करूँगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, मैं लेकिन समझा दे रहा हूँ आपको। विद द न्यूज अबाउट द अर्थक्वेक मतलब कि ये वही व्यक्ति है जो कि अर्थक्वेक भूकंप का न्यूज लेके घर में क्या हुआ, दौड़ते हुए आया था। ये बताना इसमें से कॉमन ईरर कहाँ पे है। गाइज, आई होप कि आपको अब तक कॉमन ईरर मिल गया होगा, इसमें ईरर मिल गया कि आपको कहाँ पे होगा। अगर नहीं मिला तो समझो यहाँ पे मैं आप लोग प्रीपोजिशन मैंने एक बार बहुत पहले पढ़ाया था, जिसमें इन और इन टू में आपको डिफरेंस बताया था, ध्यान से समझना। यहाँ पे इन, इन दोनों का मतलब क्या होता है, में। ठीक है, क्या होता है, में या फिर अंदर, है ना। अब गए देखो, आप लोग घर में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रनिंग इन द हाउस क्या कर रहा है, घर में घुस रहा है, और यहाँ पे मोशन के साथ है ना, मोशन के साथ है। यहाँ पे घर के अंदर की तो बात की जा रही है, लेकिन साथ में मोशन भी है। तो गाइस, अंदर के अर्थ में अगर सिर्फ की जाए तो इनका यूज करके काम चलता है, लेकिन जब भी मोशन में रहे वो, तो जैसे कि रनिंग में घुस रहा है ना, तो वहाँ पे इनटू होगा, इनटू का यूज करते हैं ना कि इनका, जैसे कि कुआं में जंप करना, ठीक है, या फिर नदी में जंप करना, ठीक है, जंप इनटू द रिवर, जंप इनटू द वेल, या फिर घर के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में मोशन रहता है साथ में, तो इनकी जगह पे इनटू का यूज़ होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके होंगे अब तक। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या है। हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ हर टू गो टू द पार्टी विदाउट ड्रेसिंग फॉर्मली। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में देखो, दो नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपका है, इस वाले में बताना है कि इरर कहाँ पे है। हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ हर, मतलब उसकी माँ जो है नहीं उसको अप्रूव करती है कि वो जो पार्टी में जाए ड्रेसिंग विदाउट ड्रेसिंग फॉर्मली। ठीक है, पार्टी में जाए विदाउट, क्या मतलब फॉर्मली ड्रेस के साथ वो नहीं जाए, यही बोल रही है, अप्रूव नहीं कर रही है। तो गाइस यहाँ पे इरर कहाँ पे वो बताना है इसको। ठीक है, यहाँ पे हम विदाउट हिंदी की इसमें इरर निकाल सकते हैं, ऐसे ऐसे जो स्टूडेंट्स को हिंदी नहीं करने आता है, तो ऐसे मत समझना कि आप इरर नहीं छाट सकते, बिकॉज यहाँ पे हिंदी करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब गाइस देखो यहाँ पे क्या हुआ, हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ, यहाँ पे क्या है, ऑफ क्या एक प्रीपोजिशन है, ध्यान से समझना, अगर नहीं समझ में आता है तो ध्यान से समझो, यहाँ पे ऑफ है ना। अब गाइस देखो, हर टू गो टू द पार्टी, गाइस देखो ऑफ या फिर क्या ये प्रीपोजिशन है, आपने पढ़ा होगा, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी प्रीपोजिशन होते हैं उनके साथ क्या होता है, बिफोर का यूज़ होता है, मतलब क्या, रनिंग, कमिंग, गोइंग, ईटिंग। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या है, टू प्लस भी वन इन्फिनिटिव का यूज़ किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टू प्लस गो वन की जगह, टू प्लस गो की जगह क्या होना चाहिए, गोइंग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सिंपली आंसर क्या होगा, हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ हर गोइंग टू द पार्टी विदाउट ड्रेसिंग फॉर्मली। ठीक है, तो ध्यान देना होगा प्रीपोजिशन के बाद हमारा वर्ब कैसा आ रहा है। अब भाई थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, राइडिंग अक्रॉस द बैटल फील्ड, ठीक है, द फेमस भीष्म सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ डेड वॉरियर्स, सॉ ए लार्ज नंबर ऑफ डेड वॉरियर्स। अब गई देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसका भी सही हुआ आंसर, मैं मानता हूँ कि उसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ऑनेस्टली कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में किसका आंसर सही होगा। आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन किसका आंसर किसने सही किया था मेरे बताने से पहले बिल्कुल ऑनेस्टली कमेंट करना। गाइस हमें फाइनली देखो आंसर यहाँ पे क्या होगा। अब देखो, राइडिंग अक्रॉस द बैटल फील्ड, अब गए देखो, इससे पहले मैं आपको एक सेंटेंस के बारे में बता दूँ। ठीक है, एक सेंटेंस होता है क्या, देखो वॉकिंग, ठीक है,
वॉकिंग एलोंग, यहाँ पे लिख लेना, जरा पे मैं यहाँ पे क्लियर नहीं लिखेंगे, वॉकिंग एलोंग द रोड ए कार नॉक्ड हिम डाउन, ठीक है। अब वैसा सेंटेंस आता है क्या, वॉकिंग एलोंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन, ठीक है। वैसे सेंटेंस में वॉकिंग से पहले क्या होता है, वाइल का यूज करते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या बिफोर है, बाकी क्या है, वॉकिंग एलोंग द रोड ए कार नॉक डाउन हिम, ठीक है, सॉरी ए कार नॉक्ड हिम डाउन, ठीक है। तो वहां पे आपको ये वॉकिंग से पहले क्या हुआ, कार के बारे में बात कीजिए। तो इसकी जो अब यहाँ पे सेंटेंस समझो, जैसे देखो, राइडिंग अक्रॉस द बैटल फील्ड द फेमस भीष्म, अब यहाँ पे कौन राइड कर रहा है, यहाँ पे तो पता चल जा रहा है कि जो जो फेमस भीष्म था वो राइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो तो सेंटेंस मैंने अभी आपको लिखवाया, आपने लिखा होगा तो मुझे अच्छा होगा, वॉकिंग अलोंग द रोड ए कार नॉक्ड हिम डाउन, वहां पे क्या आ रहा है आपका, वॉकिंग के बगल में क्या आया, एक कार के लिए बात की जा रही है। तो एक कार जो है वॉक नहीं करता है, इसलिए कार कभी टहलता है नहीं ना, मतलब क्या, ए कार नॉक्ड हिम डाउन, मतलब हिम मतलब कार ने क्या किया, उसे हिम क्या किया, उसे नॉक डाउन मतलब धक्का मार दिया। तो यहाँ पे वॉकिंग के पहले किसके लिए यूज़ हुआ है, उस व्यक्ति के लिए, कि वो व्यक्ति क्या कर रहा था, टहल रहा था, इसलिए वॉकिंग के पहले हम वहाँ पे वाइल यूज कर सकते हैं। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग करना है, अगर सेंटेंस पास्ट में तो वाइल वाज करेंगे, अब वैसे ही यहाँ पे अगर आप बोलते हो कि राइडिंग के पहले हम वाइल का यूज करेंगे तो नहीं करेंगे, बिकॉज क्यों, अब समझो यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं हम, राइडिंग के पहले हमारा देखो द फेमस भीष्म हमारा जो मेन सब्जेक्ट मिल जाता है यहाँ पे, तो हम राइडिंग अक्रॉस द बैटल फील्ड बिल्कुल भी सही है। अगर द फेमस भीष्म से पहले कुछ और वर्ड रहता जो कि हम इसका मेन सब्जेक्ट नहीं बना सकते थे, तो हम यहाँ पे वाइल इज या फिर वाइल वाज का यूज करते हैं, ठीक है। सेंटेंस में पास्ट में है तो पास्ट का चीज करेंगे, तो बात समझ में आए, तो इसका मतलब 3 नंबर क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है। अगर नहीं समझ में तो टेंशन मत लो, चैनल के साथ बने रहना, ये रूल कभी मैं पढ़ा दूंगा आपको अच्छे से क्लियर लिख के, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आता है इससे। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखो, माई अंट, अंट का मतलब आंटी, ठीक है, वॉज फर्स्ट टू गेट अ डिग्री, मेरी आंटी जो थी फर्स्ट थी, किस लिए, डिग्री पाने में क्या थी, फर्स्ट थी। अब गाइस बताओ यहाँ पे एरर क्या है 4 नंबर में, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने एडजेक्टिव पढ़ा होगा, एडवर्ब पढ़ा होगा, वही सब रिलेटेड क्वेश्चन सारा पूछ रहा है, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल ऑब्जेक्टिव पढ़े हो आप लोग, ठीक है। कार्डिनल नहीं समझ में आना कोई बात नहीं, देखो एक होता है फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, ये सभी चीज़ आते हैं, थर्ड ये आती हैं, अब एक होता है वन, ONE, TWO2, THRW3, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड 1 2 3, ये चीज़ें आती है ना, एक हो गया कार्डिनल और एक नीचा हो गया ऑर्डिनल, ठीक है। तो गाइस जब भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड रहे तो इसके पहले क्या होता है, द फर्स्ट द सेकेंड द थर्ड द फोर्थ, आपका चलते चल जाएगा, लेकिन 1 2 3 के पहले क्या करते हैं, द का यूज़ नहीं करते, 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो वर्ड आता है उसके पहले द का यूज़ नहीं करते, लेकिन फर्स्ट सेकेंड थर्ड आया इस तरीके से का वर्ड आता है तो फर्स्ट के पहले क्या, द का यूज़ होगा, ठीक है। माई अंट वॉज द फर्स्ट टू गेट अ डिग्री, ठीक है, जैसे राम वॉज द फर्स्ट बॉय, उसके आगे भी सेंटेंस जोड़ेंगे, बट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, वॉज और फर्स्ट के बीच में द का यूज होना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, पद्मिनी हैड नॉट रियली मिस्ड अ डांस परफॉर्मेंस और फेस्टिवल सिंस सी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, पद्मिनी थी कोई भी मिस नहीं करती थी डांस परफॉर्मेंस फेस्टिवल, जब तक वो जब से 8 साल की थी तब से ही कोई क्या करती थी, मिस नहीं करती थी डांस परफॉर्मेंस या फिर कोई फेस्टिवल। कही चलो ये तो बात सही है कि वो मिस नहीं करती थी, बट यहाँ पे इरर क्या ये बताना है, आई थिंक कि आपने अब तक इरर ढूंढ लिया होगा। तो कही देखो यहाँ पे क्या है, नॉट रेयरली, मैंने इंग्लिश के रूल में बहुत पहले पढ़ाया, वो सारी वीडियो देखना आपके लिए तो मुश्किल हो गया, नहीं ना, नहीं देखते हो, मुझे उम्मीद है कि आप नहीं देखे होगे। और कही यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉट और रेयरली, कहीं देखो रेयरली जो है और अपने आप में क्या है, निगेटिव वर्ड है, रेयरली हो गया, हार्डली हो गया, HARDLY, स्कार्सली हो गया, ये सभी चीज़ें जो हैं जैसे नथिंग नन, ये सभी जो आपको निगेटिव वर्ड है ना, वैसे ही हार्डली रेयरली स्कार्सली ये सभी जो है निगेटिव वर्ड है, इनके साथ नॉट यूज़ नो यूज़ नॉट और नो का यूज़ तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो या आप नॉट रख दो यहाँ पे या फिर रेयरली रख दो, ये दोनों में से कोई एक ही चीज़ आएगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे, बात समझ में आ गया। चलो 6 नंबर देखो, कृपा एंड काव्या स्टडीड इन द दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड सो डज काम्या, अब बताओ यहाँ पे क्या ईयर है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको पता चल गया होगा अब तक आर्टिकल का, मैं भी बोल रहा हूँ आर्टिकल ईयर है यहाँ पे, कहीं आर्टिकल जोड़ना होगा या फिर आर्टिकल हटाना होगा, अब तो समझ में आ गया ना। गई देखो यहाँ पे क्या है, इन द
दिल्ली पब्लिक स्कूल, स्कूल के बारे में बात की जा रही है और किस चीज़ के लिए स्टडी के बारे में। आपने आर्टिकल चैप्टर पढ़ा होगा तो पता होगा, स्कूल, जेल, बेड, इट इज़ ऐसे और भी वर्ड्स हैं जिनके बारे में अगर बात की जाए सेंटेंस में, और उसकी मेन पर्पस, स्कूल का मेन पर्पस क्या होता है, पढ़ाई करना, तो मेन पर्पस के बारे में बात की जाए तो द का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है स्कूल के पहले, बेड के पहले। अगर बेड पे सोने के लिए बात की जाए तो द का यूज़ मत करना कभी भी। जेल में अगर मतलब सज़ा की बात की जाए तो द का यूज़ नहीं होता उसके पहले। वैसे स्कूल में पढ़ने के बारे में बात की जाए तो स्कूल के पहले यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा। अगर स्कूल में जाके घूमने और ETC का कोई काम हो या फिर जो भी हो स्कूल का यूज़ हो तो वहाँ पे द का यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना, ये आर्टिकल का एक रूल है। चलिए हम नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स कुछ देखते हैं। अब तो देखिए यहाँ पे हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, 3-4-5 फिल इन द ब्लैंक्स। अब गई देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स क्या है। लेट अस क्विकली डैश मडल हडल हर्डल पडल, ये बताना चार ऑप्शन जो है। अब बाकी बोलने में प्रोनाउंसिएशन देखो ना, थोड़ा सा बस डिफरेंस है ना, बाकी DLE और एक में DLE, ठीक है। इन तीनों में क्या सेम आ रहा है, सिमिलरिटी चीज़ है, बट इन सब का हिंदी जो है अलग अलग है, सेम नहीं है गाइस। तो बताओ लेट अस क्विकली, हमें क्या जल्दी से करना चाहिए। मडल, मडल का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। मडल यहाँ पे हुआ कि नहीं, मैं यहाँ पे आंसर मैंने नहीं बताया, अभी हिंदी में बता रहा हूँ। मडल का मतलब होता है किसी चीज़ को मिला देना, ठीक है। जैसे कि आप क्या करते हो, पजल हम लोग खेलते हैं ना, तो बहुत सारे क्या करते हैं, एक ही चीज़ में मिला देते हैं, बोलते हैं इसमें से कुछ निकालो, ठीक है। जैसे कन्फ्यूज वे में किसी चीज़ को मिला देना, उसको बोलते हैं मडल, ठीक है। अब हर्डल, HURDLE, हर्डल का मतलब क्या होता है, बाधा उत्पन्न करना, ठीक है। अब पडल, पडल का मतलब क्या होता है, जैसे कि जमीन पे आपने पानी देखा होगा गिरा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं, पडल। गाइस यहाँ पे हर्डल, अब आपको तो पता चल गया, मैं लास्ट में बता रहा हूँ तो आंसर आपका यही होगा। तो हर्डल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से सट सट के बैठ जाना। तो लेट अस क्विकली हर्डल, एक दूसरे से मतलब क्या, जल्दी चलो हमें बैठ जाना चाहिए क्या, मतलब चलो जल्दी से हमें एक दूसरे से सट सट के बैठ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली आंसर ये होगा, बिकॉज लेट अस क्विकली अगर पडल करते हो तो जमीन पे तो गिरे हुए पानी को बोलते हैं, तो ऐसा तो कभी कोई कर रहे हैं नहीं कि जमीन पे गिरे तो नहीं जाएगा कोई जल्दी से, ठीक है। और पानी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जाहिर सी बात, उचित आंसर निकालते हो तो हर्डल होगा, जल्दी से क्या करते हैं लोग बैठ जाते हैं, ठीक है, सट सट के। हिंदी लिख लिया करो, काम आएगा। अब गाइस 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या हमारा, राजेश कार वाजंट डैश रमेशेज सो वी वेयर टू एग्जॉटेड बाय द टाइम वी रिस्ड होम, ठीक है। अब पूरे सेंटेंस को मार दो गोली। अब हम आधा सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, राजेश कार वाजंट डैश रमेशेज, ठीक है। राजेश का कार क्या है, डैश है रमेश की, मतलब यहाँ पे जाहिर सी बात है तुलना की जा रही है ना, समझ में आए ना, क्या नहीं है बोला जा रहा है ना। तो राजेश की कार और रमेश की कार में तुलना की जा रही है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर, अब देखो, सच कंफर्टेबल, उतना कंफर्टेबल, ठीक है, ठीक है, सच कंफर्टेबल। अब गाइस देखो बी में क्या है, एज कंफर्टेबल एज, अब देखो यहाँ पे कंफर्टेबल एनफ मतलब क्या, सो कंफर्टेबल डैट। अब गाइस आपको पता चल गया, तुलना कर रहे हैं, तो जैसे तुलना करते हैं तो क्या होता है, इतना जितना या फिर उतना जितना। जैसे फाइनली आंसर समझो, ये बोल रहा है राजेश कार वाजंट रमेश कार, राजेश का कार जो है डैश नहीं है रमेश के कार, मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं है जितना कि इसका रमेश का कार है। तो इतना और उतना या फिर उतना जितना के अर्थ में क्या निकलता है, एज का यूज़ करते हैं, जाहिर सी बात है इंग्लिश का बहुत कॉमन सा ये सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेश का कार इतना या फिर उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना कि राजेश का कार कंफर्टेबल है, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब गई देखो 9 नंबर क्या है, आई डोंट सपोज दैट प्रमोद विल बी इलेक्टेड डैश हाउ हार्ड ही स्ट्रगल्स एज ही इज नॉट कम्प्लीटली सपोर्टेड बाय द कमिटी। अब गई यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको होगा, तो गई देखो क्यों होगा, जैसे यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को ध्यान देते हो कि आई डोंट सपोज, मुझे नहीं लगता है या फिर मैं उम्मीद ऐसा नहीं करता हूँ, डैट प्रमोद विल बी इलेक्टेड, क्या प्रमोद जो है चुना जाएगा, डैश हाउ हार्ड ही स्ट्रगल्स, कितना भी चाहे वो क्या कर ले, मेहनत कर ले, एज ही इज़ नॉट कम्प्लीटली सपोर्टेड, वो क्या है जब तक वो क्या हो? ये क्या है, कम्प्लीटली सपोर्टेड उसे नहीं है जब जो भी है। अब देखो यहाँ पे ऑल दो, ठीक है, सिनिंग एस नो मैटर हाउ एवर, ऑप्शन तो आपको दिख रहा है, लेकिन फाइनली मैं आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे जब भी आप ऑल दो भरते हो, ठीक है, तो आपका अर्थ कुछ इस तरीके से निकलेगा, आई डोंट सपोज दैट प्रमोद विल बी इलेक्टेड, मुझे नहीं लगता कि प्रमोद क्या होगा, इलेक्ट किया जाएगा, ऑल दो, ठीक है, यद्यपि, हाउ हार्ड, ऑल डू और हाउ, यद्यपि या फिर चाहे, दोनों साथ में यूज करना थोड़ा भद्दा हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पे सीनिंग एज, ये देखने के बाद
चाहे कितना भी मेहनत कर ले, ठीक है। तो ये भी जरा भद्दा टाइप का रहा है। अब देखो नो मैटर, अब नो मैटर जैसे ही फील करते हो तो आपको फाइनली हिंदी निकालो, यहाँ पे क्या होगा, आई डोंट सपोज इज दैट, आई डोंट सपोज दैट प्रमोद विल बी इलेक्टेड, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि क्या प्रमोद जो है इलेक्ट होगा। नो मैटर, ये जो मैटर नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है, ये मैटर नहीं करता है चाहे कितना भी। नो मैटर का मतलब क्या होता है, चाहे कितना भी, ठीक है, वो क्या करे, हाउ हार्ड ही स्ट्रगल्स, चाहे कितना भी क्या कर ले, वो मेहनत कर ले, ठीक है। तो फाइनली आपको यहाँ पे आंसर अगर सटीक हिंदी करो तो ये निकलता है। फिल इन द ब्लैंक्स जो एसएससी का है थोड़ा सा ना, वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा देता ही है, तो वहाँ पे थोड़ा अपना सेंस यूज करना होगा। आप एग्जैक्ट हिंदी निकालोगे ना तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा सेंस लगाना होगा आपको। रेगुलर एक्सरसाइज इज कंडक्टिव डैश टू हेल्थ, सॉरी मैंने आपको आंसर बता दिया, रेगुलर एक्सरसाइज इज कंडक्टिव डैश हेल्थ, तो यहाँ पे टू होगा। अब गैस ये से ऐसे कुछ सेंटेंसी हैं जो बोलने पर डायरेक्ट इसका सही फॉर्म निकल जाता है। जैसे देखो, स्मोकिंग इज इंजरियस टू आवर हेल्थ, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ, स्मोकिंग इज इंजरियस, हेल्थ के लिए क्या इंजरियस है, तो वहाँ पे टू का यूज करते हैं। एक्सरसाइज क्या हमारा कंडक्टिव है, तो वहाँ पर टू का हेल्थ करते हैं। तो ये सभी वर्ड जो आप बोलते हो तो डायरेक्ट आपका जो पूरा का पूरा सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो ये सब वर्ड जरा याद रखना। 11 नंबर क्वेश्चन देखना, कैन यू प्लीज़ डैश माई वेबसाइट जस्ट बिफोर आई पब्लिश इट। अब ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था, तो उस टाइम ये क्वेश्चन का आंसर बहुत कम स्टूडेंट ने दिया होगा। कैन यू प्लीज डैश, क्या आप कर सकते हो क्या, माई वेबसाइट डैश जस्ट बिफोर आई पब्लिश, क्या आप मेरी वेबसाइट को डैश कर सकते हो, मैंने जस्ट इसे पब्लिश करना है, ठीक है। मतलब क्या, जस्ट बिफोर आई पब्लिश इट, मतलब कि इसे पब्लिश करने से पहले आप इसे कर लो, क्या कर लो भाई, फाइंड आउट, पब्लिश करने से पहले वेबसाइट को तो फाइंड आउट करोगे नहीं। दो ऑप्शन है जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, बिकॉज सेट सेट आउट तो होगा नहीं, बिकॉज इसने पब्लिश करने की बात की तो सेट आउट तो कर रखा है। अब लुकअप, वेबसाइट देखने वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब फाइंड आउट, गो थ्रू में आपका कन्फ्यूजन होगा, फाइंड आउट, अब गई देखो पब्लिश करने की बात कर रहे हैं तो उसकी वेबसाइट कहीं गुम नहीं हुई है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ फाइंड आउट नहीं होगा। गो थ्रू, तो देखो वो बोल रहा है क्या मेरी वेबसाइट से जरा एक बार हो जैसे विजिट करके देख सकते हो, गो थ्रू का मतलब वही हुआ कि उस पर विजिट करके देख लेना, उसमें कुछ इरर वगैरह तो नहीं है उसे पब्लिश करने से पहले। तो उस वेबसाइट को पब्लिश करना चाहता है, वैसे ही किसी को बोल रहा है कि वो मेरे वेबसाइट पे थोड़ा विजिट करके देख लो, मुझे इसे पब्लिश करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ये जरा इंग्लिश का, इंग्लिश बोल रहा हूँ, एसएससी का थोड़ा सा ऐसे ही होता है, इंग्लिश हो या फिर मैथ हो या फिर रीजनिंग हो, थोड़ा घुमा फिर आगे पूछ लेते हैं लोग, जरा सेंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आपको बताऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ, बट आपके सपोर्ट का जरूरत है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।